शेखपुरा जिला बिहार में दूसरे फेज के तहत धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू किया गया। दूसरे फेज के तहत आज से धान अधिप्राप्ति की कार्रवाई शुरू किया गया। इसको शेखपुरा में 54 पैक्स के साथ 5 व्यापार मंडल में धान अधिप्राप्ति हुई। शेखपुरा डीएम आरिफ अशर ने सदर प्रखंड के पैन पैक्स में धान अधिप्राप्ति सेक्टर का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर डीएम के अलावा जिला सहकारिता पदाधिकारी खिलाफत अंसारी डीपीआरओ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने धान अधिप्राप्ति सेंटर का शुभारंभ के साथ पैक्स का निरीक्षण किया, जबकि पहले दिन जिले के 5 पैक्स सेंटर पर 70 क्विंटल धान की खरीद की गई। जबकि पैक्स अध्यक्ष ने कहा कि धान खरीद सेंटर का डीएम ने उद्घाटन किया, जबकि पैक्स को राशि उपलब्ध होने की बात कही। जबकि पहले दिन पैक्स में देने वाले किसानों ने कहा कि बाजार से ज्यादा मूल्य पर पैक्स में धान खरीद की जा रही है, जबकि 48 घंटे के अंदर पैसे भी देने की बात कही है। किसानों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से धान की बिक्री पैक्स में दिया जा रहा और समय पर भुगतान मिलने की बात कही। डीएम आरिफ असर ने कहा कि धान राज्य मुख्यालय ने अभी धान खरीद का लक्ष्य निर्धारण संबंधी आदेश नहीं आया है, लेकिन जिला प्रशासन पिछले वर्ष के अनुरूप धान खरीद की तैयारी कर ली गई है। डीएम ने कहा कि अभी तक धान बिक्री को लेकर 1000 से ज्यादा किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि किसानों को धान पैक्स को देने में उपरांत 48 घंटे के अंदर भुगतान का दावा किया है, जबकि किसानों को धान बिक्री में कोई परेशानी नहीं है, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। आज धान खरीद का शुरुआत माननीय जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा पैन पैक्स का किया गया। इसमें सभी किसान लोग उपस्थित हुए। एक किसान से हमने 32 क्विंटल धान खरीद की और डीएम साहब का बहुत टाइम कीमती टाइम के लिए बहुत बहुत मैं उनका आभारी हूँ। जो शुरुआती कितना खरीद हुआ? 32 क्विंटल। कौन किसान? बारिश कुमार के नाम से। भुगतान के लिए भुगतान का प्रोसेस में एडवाइस जनरेट हो गया, उनके खाता में पैसा चला गया। बस 24 घंटा के अंदर। क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार। पैसा यहाँ लक्ष्य तो अभी निर्धारित नहीं किया गया, लक्ष्य जो विभाग द्वारा सोमवार को सबको आवंटन मिल जाएगा। सभी को मालूम है कि धान अधिप्राप्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा 1 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, लेकिन शेखपुरा ज़िले में 15 नवंबर वाले सेकेंड फेज से स्टार्ट हुआ है और आज जो है 5 पैक्सों में जो है स्टार्ट हो गया है और लगभग जो है शाम तक सब जगह एंट्री भी हो गई है। अभी तक हम लोग के यहाँ जो है तो पिछली बार 5300 समथिंग किसान रजिस्ट्रेशन कराया था, अभी तक जो है कि किसानों का संख्या 1000 से क्रॉस कर गया रजिस्ट्रेशन का। और राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है कि पिछले बार के जितने भी किसान थे उनका ट्रांसफ़र करा करके वही रजिस्ट्रेशन नंबर उनका मान्य होगा, तो दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं होगी। किसानों को ससमय राशि उपलब्ध हो, इसके लिए क्या जाए? इसके लिए इस बार जितने भी प्रोसेस है धान प्राप्ति की वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है और सरकार ने एकदम वचनबद्ध है कि 48 आवर्स में पेमेंट हो जाना है, तो उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। 48 आवर्स में हम लोग पेमेंट कर देंगे सभी किसानों का। कैसे कोई शिकायत आती है उसका? इसलिए जो है सभी पैक्सों में, पिछली बार भी ये हुआ था, इस बार भी इसको अच्छे से कराया जा रहा है कि सभी पैक्स में एक नोडल पदाधिकारी को जिला स्तर से ही नामित किया गया है। तो जहाँ पे बीसीओ हैं बीसीओ को हम लोग टैग कर रहे हैं, इसके अलावा जो है सीओ को भी हम लोगों ने पैक्सों में टैग किया है ताकि जहाँ भी अधिप्राप्ति हो प्रतिदिन जो है उसका रिपोर्ट लेंगे और खुद भी जाकर देखेंगे और किसी भी तरह का शिकायत प्राप्त होता है तो उसको हम लोग जाँच फौरन कराएंगे। जिस पैक्स में चुनाव हो रहा है उसके लिए क्या? चुनाव हो रहा वहाँ भी हम लोग का अधिप्राप्ति स्टार्ट हो गया है और उसके लिए जो है हम लोग अलग से पदाधिकारी को टैग किए हैं ताकि उस पर नज़र रखी जाए किस तरह कोई कमी या गड़बड़ी ना हो इस वजह से। और बाकी इलेक्शन भी सहसा समय होगा, अच्छे से होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है।